ओके तो कल हमने क्या पढ़ा था? यस व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे, हमने कल क्या क्या पढ़ा था मैम? सॉल्वेंट पढ़ा था, उसके टाइप्स एंड एग्जांपल, देन इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट ओके। सॉल्वेंट में कल वन ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स होता है। नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट होते हैं तो उसमें जो वीक जो फोर्सेस होते हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं, वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो नॉन पोलर चीज होती है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होती है तो जो फोर्स जो एग्जिस्ट करता है उनके पीछे बहुत वीक होता है, उसको बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, फिर मैंने आपको कल एसिड डेरिवेटिव्स का भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया था, राइट? कराया था ना? हाँ। उसमें मैंने आपको बताया था एसिड हैलाइड्स की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, एसिड हैलाइड्स देन एनहाइड्राइड्स, बताया था रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था आपको। देखो नेक्स्ट देखो, हम इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन हम लोग बताए थे। इंडक्टिव इफेक्ट में एक मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है, इफ अगर कहीं भी कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है तो इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? ऑब्वियसली अगर इसके पास कोई डोनेटिंग ग्रुप होगा, बिकॉज चार्ज एक टाइप का क्या है, दुख है। ठीक है, तो अगर कोई इसको देने वाली स्पीशीज आ जाए, कोई भी स्पीशीज आ जाए, तो इसका प्लस चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। इसीलिए कोई भी एनी कार्बोकैटायन, एनी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्लस आयन। कोई भी इसको डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और यही पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज पे अगर मैं विड्रॉइंग ग्रुप लगा देती हूँ, इफ आई अटैच एनी विड्रॉइंग ग्रुप लाइक हैविंग माइनस आयन, तो क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। माइनस आयन वाला ग्रुप लगा दूंगी तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, दुख और बढ़ जाएगा उसको। सो इट इज यस मैम। एक हम लोग इंडक्टिव एप्लीकेशन में बताए, मैम आपकी वॉइस कट नहीं आ रही है। ओके, अलकाइल देखो, इज इट विजिबल टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विजिबल है आपको, यस और नो? आपको बोर्ड विजिबल है? नो मैम। नो मैम। Now is it visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, this is the primary alkyl halide, secondary alkyl halide, this is the tertiary alkyl halide. Iski action agar silver nitrate
primary alkyne like secondary alkyne like and tertiary alkyne like right isko bhi tertiary alkyne like ko bhi main kaise get karti agn ke sir હલો દાદા પૂરું હવે હો અત્યારમાં ન હોય ઊંઘ આવે હવે आवाज आ रही है अभी साउंड आ रही है आप लोगों को यस मैम यस मैडम ओके ओके तो यू हैव टू टेल मी द ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होगा यस Yes, anyone? मैम टर्सरी अल्काइन हैलाइड है ना उसमें AgCl के पीपीटी फॉर्म हो गए बाकी दोनों में पीपीटी ही फॉर्म नहीं होगा AgCl का यस ओके जीएक्स आपका ये हो गया ना सिल्वर हैलाइड AgS तो यहाँ पे आपको कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ पे कौन सा बनेगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या बनेगा प्राइमरी कार्बोकैटायन यू ऑल नो टर्शरी कार्बोकैटायन आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज जैसे ये आपका टर्शरी है
ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप में आपके लिए तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे ना, स्टेबल करेंगे, प्लस साइन वाले ग्रुप जोड़ा है मैंने, राइट। तो इसीलिए हमारा जो टर्शियरी लाइन्स होते हैं वो पीपीटी देते हैं एजीएम थ्री के साथ पढ़ते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है। कोई भी अगर आपकी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, मान लो एक्स वाई जेड, मान लो एक्स स्पीसीज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगी, तीन तीन अगर मैं डोनेटिंग ग्रुप लगाऊंगी तो ये तो माइनस को और बढ़ाएंगे, तो स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। तो अगर मुझे नेगेटिव चार्ज कोई भी कार्बनाइन स्पीसीज है तो उसको अगर स्टेबल करना है मुझे, तो क्या करूंगी, इस नेगेटिव के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बनाइन है, कोई भी कार्बनाइन है, एनी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बोल सकते हो या कार्बनाइन एनीथिंग, उसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, माइनस आई क्या करता है उसकी स्टेबिलिटी को, माइनस आई क्या करेगा उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन जो प्लस आई जो ग्रुप होंगे वो उसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे, लूज करेंगे उसकी स्टेबिलिटी, कम करेंगे स्टेबिलिटी, राइट। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो भी होती है उसकी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाओ, नेगेटिव में उसके पास चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसके आप ड्राइंग ग्रुप लगा दो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमें नेगेटिव को कम करना है, कम करने के लिए क्या होगा, विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, ये सब माइनस आई वाले ग्रुप लगा दो, ठीक है। देखो अब इसमें नेक्स्ट आता है जो हमें इम्पोर्टेंट बना, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर देखो, एसिडिक नेचर देखो, एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड, देखो एक थ्योरी एलिनस एच प्लस डोनर, जो एच प्लस लूज करे या एच प्लस डोनर, दिया रहे विजिबल हो रहा है आपको, यस इज इट विजिबल, इज इट विजिबल, इज इट विजिबल, हेलो आप लोगों को सामने आ रहा है, यस मैम स्क्रीन विजिबल है लेकिन आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, इज इट विजिबल, यस मैम, जब भी कोई स्पीसीज होती है एसिड होती है, डेट मीन्स एच प्लस डोनर है, एच प्लस डोनेट करेगा तो स्पीसीज पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है कोई भी चीज उसने अगर एक्सेप्ट किया ऑब्वियसली तब भी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, मीन्स अगर कोई भी ड्रॉइंग ग्रुप Yes. Donating group or withdrawing group?
तो एसिडिटी जो है योर मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. Thank you.
हेलो।